नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथम हेडलाइंस कोरोना स्थिति समीक्षा कले प्रधानमंत्री ओडिशा समेत 6 राज्यर मुख्यमंत्री वर्चुअल रे मोदी आलोचना कहले ग्रामांचल रे कोविड प्रतिहत लागि मिलीमिशी काम करबा माइक्रो कंटेनमेंट जोन को गुरुत्व संपत्ति लागि निर्दय बहुर बर्बरता सासु को रास्तारे घोसाड़ी घोसाड़ी पिटिबार भिडियो हला वायरल बलांगीर बरपाली पड़ारु सामना को आसला अभावन्य घटना न्याय पाई थानार द्वारस्थ हेले सासु राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ समस्त जिलापाल को वोट बक्सर तालिका मागिले निर्वाचन कमिशन 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश केन्दुझर बलाणी अंचल रे लज्जा नाबालिका को वार्ड मेंबर को दुष्कर्म अभियोग मामला को रफा दफा पाई पुलिस पर चाप कुआडे गला महिला व शिशु डेस्क उठला प्रश्न खमुनि मृत्यु खसुनी संक्रमण आज राज्य में पुणी 64 मुंड नहीं कोरोना खोर्धार सर्वाधिक 22 जन जीवन नेला महामारी 24 घंटा 2023 पॉजिटिव बिजुली पाई हल्ला बोल कोरोना काल में अघोषित दर वृद्धि को बीजेपी रो विरोध आज पांच दिन धरी आंदोलन समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आंदोलन दल विक्षोभ एवं आरोपी रे प्रख्यात चलचित्र अभिनेत्री सुरेखा सिक्री 75 वर्ष वयस हृदघात देहांत दीर्घ दिन धरी असुस्थ पूरा बॉलीवुड रे शोकर छाया छटी राज्यर कोरोना स्थिति समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम रे ओडिशा आंध्रप्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र केरल तमिलनाडु मुख्यमंत्री आलोचना करिसेंती ए छटी राज्य रे कोरोना संक्रमण कमी थिले भी स्थिति नियंत्रण को आसिनी वर्चुअल बैठक रे मुख्यमंत्री मानक स केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहिथिले तबे ऑक्सीजन प्लांट को मिशन मोड रे पूरा करबा को कहिसेंती प्रधानमंत्री ग्रामांचल रे कोरोना प्रतिहत पई हमको कठिन परिश्रम करबा पई पड़िबो आम भितर कोरोना जाइनी आम सतर्क रहा सजग रहा पिला कोरोना संक्रमण बचाई को यूरोपीय देश गुड़िक पिला संक्रमण संख्या बढ़ी महाराष्ट्र केरल में लगातार संक्रमण बढ़ुची जहांकि चिंतार विषय गला सप्ताह 6 राज्य 80% केस सामना को आसी एथसहित 84% दुखद मृत्यु केस आमको तृतीय लहर रोकवाई पड़ो प्रधानमंत्री कोरोनार नुआ नुआ वेरिएंट को मिलीमिशी प्रतिहत करने पड़ो टेस्टिंग ट्रैकिंग ट्रेसिंग टीकाकरण को प्राधान्य देवास जो संक्रमण बढ़ुचे से माइक्रो कंटेनमेंट को अधिक गुरुत्व दिया जाऊ बोली मोदी कहते बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा साथियों एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है राज्य में पंचायत निर्वाचन पर आरंभ हो प्रक्रिया समस्त जिलार जिलापाल को वोट बक्सर तालिका मागिछन्ते निर्वाचन कमिशन 26 जुलाई सुधा रिपोर्ट देवाई निर्देश देखते कमिशन एने निर्वाचन कमिशन का कार्यालय पक्ष सूचना बिजुली पाई हल्ला बोल कोरोना काल में अघोषित विद्युत दर वृद्धि को विरोध करी बीजेपी आज पांच दिन धरी आंदोलन कर दल समस्त विद्युत वितरण कंपनी आगे आंदोलन कर बीजेपी कोरोना समय अघोषित दर वृद्धि लोकों समस्या को द्विगुणित करी दल अभियोग आ राज्य रे कोविड समय रे जेते बेले लोकंकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नाही सेते बेले
विद्युत दर को कोनोसी प्रकार कथा न थाई कि विद्युत दर वृद्धि करिबा बात्या समय रे कथा को काम न करी कि अजथारे अघोषित विद्युत काट करिबा आ लो वोल्टेज प्रतिवाद रे आज हमर ये प्रतीकात्मक धारणा वर्तमान समय जो भाई लोक पैसा ना लोक पांच पैसा दबार क्षमता ना से समय तुम विद्युत शुल्क बढ़े चलच से समय इलेक्ट्रिक जो समय कोरोना लोक घरे रोच्च कौन सरकार कौन पदा को बाहर घर रुहतु कि घर रही कौन गरम सतंतु एटी लोक विजुड़ी पा ना साधारण लोक विजुड़ी पा ना कि कंपानी मानक विद्युत दे चल जो कंपानी मैंने कोटी कोटी टाइम विजुड़ी बिक्री करूँ साधारण लोक विजुड़ी दि जाऊ कोटी कोटी टाइम जो बाकी रही कंपानी मानक से छाड़ कर ये गरीब लोकों पर मिछ बिल करुंती प्रतिवाद करी भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्येक धारणा देछे भारतीय जनता पार्टी पांच दफा दाबी नहीं आज ये आंदोलन उल्लेखि राज्य रे कोविड समय रे जेते बेले लोकंकर आर्थिक अवस्था सोच जेते बेले लोक माने संग्राम करुचंती कोरोना परिस्थिति की एतिकी बेले राज्य सरकार लोकंक उपरे बेड़ी उपरे कोरोना सदृश साजिछि आज भारतीय जनता पार्टी लोक मान स्वार्थपाई तलुक ओह्लैसी राजरास्ता को ओह्लैसी एक चेतावनी देउछि राज्य सरकार को आपण घर कंपानी प्रीति छाड़ू घर कंपानी सहित जो मधुचंद्रिका करिसंती छाड़ू लोकंक समस्या बुझंतु पुणि लज्जा नाबालिका वार्ड मेम्बर को दुष्कर्म अभियोग केन्दुझर जिला बलाणी थाना अंचल रे जड़े वार्ड मेम्बर को नारे भले दुष्कर्म अभियोग आने पीड़िता परिवार शनिवार थारु थाना अभियोग करते एर्यंत कौन पदक्षेप ग्रहण करीड़िता डाक्तरी मायना बड़बिल गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराइले किंतु डाक्तरी मायना कर मामला को रफा दफा करने पुलिस पीड़िता परिवार उपर चाप पकाउछि ए अभियोग आ एपर्यंत कौनसी कार्यानुष्ठान नियाजाइनथिबारु पुलिस भूमिका उपरे प्रश्नवाची छिड़ा होइछि कुआडे गला शिशु डेस्क नाबालिका को न्याय केबे ताहा एबे प्रश्न चिन्ह घेरे चाटा बड़ा मान ताकु नै गेले फिर सेटु आसला पर मान कहले कि रिपोर्ट पेपर के हेला नै आ से जेडा मना कर देला अंदुला हमकु लागो जे एडा पुलिस मान सपोर्ट कर दिबे आ से 5 दिन रखि देला घरे से एमती से रखी ना से 5 दिन भितर से रेप से करी खबर पाई टाटा का रिपोर्ट करबालिका जो उधार होती मेडिकल जंक्शन करवाक पठा जाता सहित मौसी नाबालिकार मौसी भी जाइए मेडिकल झील नाबालिका झील और मौसी डाक्तर महीना होगा मना कर बर्तमान केस तदन चल मृत्युंजय पात्र को इक्मो चिकित्सा पाई करा गला एयरलिफ्ट मृत्युंजय दीर्घ 26 दिन हेबो अपोलो हॉस्पिटल ले चिकित्सित होतिले तेबे तांको इक्मो चिकित्सा आवश्यक थिबार आज कोलकाता एयरलिफ्ट करा जाइछि अनपटे सहायता पाई एबे सहाय्य निवेदन करिसेंती मृत्युंजय को परिवार दीर्घ 26 दिन रो चिकित्सा रे तांकर 40 लाख रु अधिक टंका खर्च होइ सारिछि एबे कोटि रु अधिक टंका आवश्यक एते टंका आसीबो कोठु तेणु सहायता पाई मुख्यमंत्री को सह जनसाधारण को सहयोग लोड़ी परिवार लोके गवर्नमेंट पाखर आम कि सहायता एपर्त पाईना आशा रखीचु पाइबापी जेहेतु सरकारी कर्मचारी आउ कार्यरत समय से इनफेक्टेड होती आम चाहूँ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड रु कि अर्थ जोगाइ से अर्थ में एक्मो चिकित्सा करा जाऊ जेहेतु आम असमर्थ चिकित्सा करने व्ययबह समय सापेक्ष तेणु आम एत खर्च करने समर्थ नुहे आ बहुत लोन धार बुड़ी रही आम 20 लक्ष पर्यंत आपोलोर पेमेंट कर सारू आम गोटे टंका भी खर्च करने आम परिसर बाहर तेणु चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड पांठि किसी अर्थ सहायता जोगाई दे चिकित्सा खर्च सरकार बहन करतु जेहेतु से सरकारी कर्मचारी कार्यरत समय से कोविड इन्फेक्शन होती राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु संख्या आज पुणी थरे 64 मुंड नहीं महामारी खोर्धारु सर्वाधिक 22 जन जीवन जाइए बरगढ़ 10 बालेश्वर 8 सुंदरगढ़ 7 जन मृत्यु गंजाम 6 कंधमाल संबलपुर 2 जन लेखाएं मृतक अच्छा सेपटे गत 24 घंटा भितर राज्य में 2070 कोरोना पॉजिटिव 1195 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण संख्या 875 खोर्धारु सर्वाधिक 446 जन आक्रांत चिन्हट होती राज्य सूचना लोक संपर्क विभाग पक्ष तथ्य दी।
आज एक वर्चुअल इवेंट रे शिक्षा व आदिवासी व्यापार मंत्रालय पक्षरु इनोवेशन आंबासडर कार्यक्रम उन्मोचन करा जायछि। केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री अर्जुन मुंडा एवं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मिलित भावे अभियान शुभारंभ करिछन्ति। स्कूल इनोवेशन आंबासडर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ करिछि जहार लक्ष्य हेउछि 50,000 विद्यालय शिक्षकंकु उद्भावन उद्योगिता आईपीआर डिजाइन चिंताधारा उत्पादन रे विकास किभले भिन्न भिन्न धरणर उत्पादन करा जाई पारिबो से उपरे तालीम देबा। ये भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है। ऐसे भारत इस इनोवेशन एम्बेसडर्स की जो प्रोग्राम शुरू किया, मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं इसको राज्यों की स्कूल्स में जोड़ना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये आने वाले दिनों में विश्व के स्कूल्स आएंगे इसके पास। ये हमारे जो इनोवेशन सेल है ना, AICT हो, CBSE हो, स्किल डिपार्टमेंट की NCVET को उसमें जोड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। जो नया एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश की जो नया फ्रेमवर्क बना है, उसमें हमारी नौजवानों की ज्ञान के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी, नॉलेज के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की जो एक होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है, उसको नई ऊंचाई देने का ये इंस्ट्रूमेंट आज हमने शुरू किया है। और सदैव आपकी बड़ी भूमिका है, पिछले दिनों में भी बच्चों को समझाने में और उनको आगे ले जाने में आपकी भूमिका रही है। और आज ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट में हम बनाने जा रहे हैं जिसकी इंपैक्ट ग्लोबल रहेगा, ग्लोबल क्राइसिस के प्रति रहेगा, विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी के समाधान इसी के साथ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रे थिबा विधायकक पदवी रद्द मामला राज्यपाल को उपरे निष्पत्ति छाडीले हाईकोर्ट। विधायक भाबरे निर्वाचित हेबा परे मध्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तथा लाभजनक पदवी रे रही मंत्री को भली विभिन्न सुविधा सुजोग उपभोग करुछंती विधायक, जहाँकि संविधान विरोधाचरण बोली कहा। एभली जनप्रतिनिधि मानक पदवी को रद्द लगी रुजु होता मामला को सुनाणी कर हाईकोर्ट राज्यपाल निष्पत्ति छाड़ी। राज्यपाल भारतीय निर्वाचन कमिशन मत नहीं नवेम्बर 8 पूर्व ए आवेदन अंत घटाइबा को हाईकोर्ट राय में कहते। नवेम्बर 15 पूर्व ए निष्पत्ति संपर्क में राज्यपाल आवेदनकारी अवगत करेंगे। सुप्रीमकोर्टर आईनजीवी समरेन्द्र बेउरा पक्षर् आगत मामलार शुणी कर हाईकोर्ट मुख्य विचारपति जस्टिस एस मुरलीधर एवं विचारपति जस्टिस एस के पाणिग्राही को नहीं गठित खंडपीठ ए राय देते। MLA मानू कौन भी लाभजनक पदवी में रखा जाए देखिए, जिते डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, जिला योजना बोर्ड हो, वेस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउनसिल, स्पेशल डेवलपमेंट काउनसिल, ये सब पद गुड़ाक जिते रखाला रैंक आउ स्टेटस मिनिस्टर दिगला। तो मिनिस्टर रैंक एंड स्टेटस दिगला, क्या कैबिनेट रैंक दिगला, क्या MOS रैंक दिगला। तो से सब जिनस जिते रैंक एंड स्टेटस मिलला से सहित हाउस आलोएंसेस लाइक बहुत सारा गाड़ी एमती बहुत किसी जिनस दिगला स्टेट एक्सचेकर मानने राज्य सरकार तरफ दिगला, जोटा ऑटोमेटिकली जदि सुप्रीम कोर्ट को जया बच्चन जजमेंट अनुसारे तो सेटा ऑटोमेटिकली लाभजनक पदवी हो जाए और विधायक पदटा रद्द हवा कथा। तो संविधान धारा 192 आर्टिकल 192 अनुसारे 191 अनुसारे से रद्द हवा कथा, 192 अनुसारे जेकोसी लोक चाहिए से गवर्नर को पेटिशन कर। आउ जदि आप देखिए वृंदावन नायक जजमेंट, वृंदावन नायक वर्सेस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को गोटे 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट अच्छी जो थे लिखाई गवर्नर कौन सी डिसीजन निजे नेबेनी, आउ गवर्नर एटा प्रथम इलेक्शन कमिशन को पठेबे, इलेक्शन कमिशन तांको ओपिनियन देला गवर्नर से ही ओपिनियन हिसाब से वेदर डिस्क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड नॉट डिस्क्वालिफाइड से ओपिनियनटा गवर्नर कौन सी MLA को अगेंस्ट कहे। तो सेमी गवर्नर किसी न करके बसी पड़ला आम प्रथम सुप्रीम कोर्ट रे, तापरे सुप्रीम कोर्ट से पेटिशन टा को विड्रॉ करके पुणी हाईकोर्ट रे फाइल करने कहला, आम ओडिशा हाईकोर्ट रे करथिलु। तो 13 तारीख रे माननीय उच्च न्यायालय तांको ऑर्डर रे कहिले, ऑफिस ऑफ गवर्नर को कहिले कि आपण शीघ्र
ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ତାର ଓପିନିଅନ୍ ପାଇଁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଓପିନିଅନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କର ହେବ ସେ ଓପିନିଅନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି 8 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁଯାକ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପେଟିସନର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ମୋତେ 15 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମେରିଟ୍ କିମ୍ବା ଡିମେରିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ଟୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ଦ ପିଟିସନ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦୋଜ୍ 22 MLAs ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 191(1)। ଫେରିବା ଖବରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ଚାରଭଟା ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ମସୁଦ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏକକାଳୀନ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୈତୃକ ଘର ସହ ଚାରଭଟା ପେକ୍ ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁବ୍ଲା ପେକ୍ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ମାସୁଦ ମହମ୍ମଦ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ ସେଫ୍ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ପ୍ୟାକ୍ ସେଫ୍ଟି ଚାରପଟା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଦୁବ୍ଲା ରହୁଛି ତର୍ଭ ପାଖରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଣ୍ଡରରେ। ତାଙ୍କର ଆମର କୋର୍ଟଙ୍କ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ତାଙ୍କର ଘର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ସାଲେପଲ୍ଲୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଏଇ ଘରଟା ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକ୍ସରେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ସର ସେଫ୍ଟିଟା ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା? ଅଭିଯୋଗ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ପୈତୃକ ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି କେନ୍ତା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି କାଣା କହୁଛ ମୁଇଁ କିଛି ନା ଜାଣି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ପିଟିସନ। ଏଟିଏମ୍ ଭିତରୁ ଯୁବତୀଙ୍କଠୁ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଲୁଟେରା, ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ସମୟରେ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟେରା ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସିସିଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ POPD ଟିମ୍ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବତୀ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛି, ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ତାର ଫେରାର ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ 40,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଲୁଟତରାଜ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ ଛକ କଥା କହିବା ବା ଏଟିଏମ୍ର କଥା କହିବା, ଇଏ ଏକଦମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରହିଛି, ତ କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା? ଦେଖୁନ୍, ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରୁ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଭ୍ୟାନିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଛଡ଼ି ନେଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ସାବାଳକ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଛଡ଼େଇ ନେଇସାରିବା ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଟିମ୍ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାର IIC ପ୍ରଥମେ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ ତା ଏଟିଏମ୍ ର ସିସିଟିଭିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏବଂ ଛଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲିଆ ସାହିର, ଏବଂ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ଡାକି ଆଣି ମାରଧର କଲା ଏବଂ ବିଷୟ ଧମକେଇବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କଥା ଆଦାୟ କରାଗଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ସାବାଳକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସାବାଳକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କୋଉ ମାମଲାରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଭଳି ରାକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ IIC ଯେ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଧରାତିରେ ତାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଠୁ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଏ କିଏ ୟା ଭିତରେ
সংশ্লিষ্ট অবশ্য যে যুবক মানে যে বেকার যুবক বসছেন এমনকু সহজ সুবিধা উপায়ে টাকা রোজগার করা কিছু লোক প্রবর্তাচ্ছেন এবং এর ভিতরে গোটে গ্যাং কাম করছে যে তালিয়া সাহি সমেত অনেক বস্তির পিলা মানে এখানে বিশেষ করে কাম করছেন শুনছা বহুত বহুত ধন্যবাদ সবিশেষ সূচনা পাই সন্তোষ জেন আম প্রতিনিধি যা সূচনা দৌলে বর্তমান জনক অটক রাখি বা গিরফ করা কিন্তু আউ জনে যে সহযোগী রয়েছে তাঁকর তাঁকু খোঁজবাই পুলিশ চেষ্টা করছি এ ঘটনাকে নিয়ে চর্চা আরম্ভ হয়েছে সিসিটিভি ভিজুয়াল মধ্য ভাইরাল হবার লাগিছে ফার্স্ট ভিজুয়াল অর্গস নিউজ্র আপন মানে দেখিপারুছেন এটিএম ভিতরের ইয়ে হচ্ছে দৃশ্য দুইজন যুবতী টঙ্কা উঠাইবা পাই আসিথিবা বেলে জনে যুবক পশিলে পাখে থিবা সে যুবতী জনে টঙ্কা উঠাউছেন এবং অন্য জনে যুবতী ছেড়া হয়েছেন তাঁকর ভ্যানিটি ব্যাগ ছড়াই চম্পট মারিথিলে জয়ীঙ্কু পথরের ছেচি হত্যা ঘটনা ঘটিছে ব্রহ্মপুর উপকণ্ঠ রন্ধা গাঁর হরিজন সাহিরে ঝিকিপদর গাঁর শ্বশুরঘর রন্ধাকু আসিলে দিলীপ দাস তেবে তাঁকু শ্বশুরঘরে হত্যা করা যাইতিবা সূচনা মিলিছে ঘটনার জনকু আটক রখা যাইছে রাজ্যে পুণে এক বড় ধরনের জিএসটি ঠকেই শহে কোটির ঊর্ধ্ব টঙ্কার ঠকেইর হয়েছে পর্দাফাশ এবং দুই অভিযুক্ত গিরফ করেছে রাজ্য জিএসটি বিভাগ পরবর্তী খবর আসবা অনুগুল জেলা ছেন্ডিপদা থানা পোড়াপড়া গাঁর নিখোঁজ যুবক মৃতদেহ উদ্ধার করাগলা সে হচ্ছেন সুধীর কুমার সাহু পরিবার লোকে বজ্রাঘাতরে মৃত্যু হয়েছে সন্দেহ করে থানার লিখিত অভিযোগ করেছেন বুধবার সন্ধ্যায় যুবক জনক বাপা পাখু ছেন্ডিপদা যাই তাপরে ঘরকু ফেরি নথিলে সেঠারু ঘরকু ন ফেরিবা পরে পরিবার লোক খোঁজাখোঁজি কলে যুবকঙ্ক মৃতদেহ মিলবা পরে সেই দিন ঘড়ঘড়ি সহ বর্ষা লাগি রইতিবা বেলে যুবক দেহ জলি যাইছি কলা হয়ে যাইছি এণু পরিবার লোক বজ্রাঘাতরে মৃত্যুর সন্দেহ করেছিল পোখরীরে বুড়ি শিশুপুত্রর মৃত্যু বালেশ্বর জেলা সিমুলিয়া থানা অন্তর্গত বাঙ্গরখড়ি গড়িয়া গাঁরে অনন্ত কুমার নায়ক দুইজন দুই বর্ষর শিশুপুত্র খেলুথিবা বেলে পোখরীরে পড়ি যাইথিলা পরিবার লোকে বহু খোঁজাখোঁজি করিবা পরে শিশুটি পোখরীরে পড়িথিবা দেখিবাকু পাইলে এয়াপরে শিশুকু উদ্ধার করাগলা সিমুলিয়া মেডিকালে ভর্তি করিথিলে কিন্তু সেঠারে ডাক্তার তাঁকু মৃত ঘোষণা কলে তিনিথর জাতীয় পুরস্কার বিজেতা তথা বালিকা বধু ধারাবাহিকর দাদি সা আউ নাহান্তি 75 বর্ষ বয়সরে তাঁকর দেহান্ত হয়েছে সুরেখা সিক্রিঙ্কর হৃদঘাতরে দেহান্ত হয়েথিবা সূচনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে লোকপ্রিয় অভিনেত্রী অসুস্থ রয়েছে আজ সকাল হৃদঘাত যোগু তাঁকর মৃত্যু হয়েছে ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜିଆର୍ଏସ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମଦ୍ୟପ ଯୁବକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବାରିକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ କେସ୍ କୋର୍ଟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି 3 ମାସ ଜେଲ୍ ଧରିକି ବେଲ୍ ଆସିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋର୍ଟ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ପୁଣି ସେ କୋର୍ଟ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ ପରିସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବୋଧେ ଇଏ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କଥାର ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ଖାଲି ଶୁଦ୍ଧ ମିଛର ମୁଁ ଅମକି କରିମି ଢମକି କରିମି ସେ ଇଏ ମାଗିନି ସେ ମାଗିନି ଖାଲି ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ମତଲବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମତଲବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସରକାର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ମାରଧର କରିଛି ଏବଂ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଆମର ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦାବି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦାବି ଏବଂ ଟୁଲୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉ ସମୟ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର।